नमस्कार दोस्तों, Xiaomi ने Redmi Note 9 Pro इंडिया में लॉन्च कर दिया है और कुछ ही दिन पहले Realme ने लॉन्च किया था Realme 6। आज हम Redmi Note 9 Pro के लोएस्ट वेरिएंट को कंपेयर करेंगे Realme 6 के लोएस्ट वेरिएंट से, क्योंकि दोनों का प्राइस सेम है जो आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो इस प्राइस में आपको कौन सा फोन क्यों लेना चाहिए, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। लेकिन हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, पहले बात करते हैं फोन्स के कलर्स के बारे में। Redmi Note 9 Pro आप लोगों को इंटरस्टेलर ब्लैक, ग्लेशियर व्हाइट और ऑरोरा ब्लू कलर्स में मिल जाएंगे, और वही Realme 6 फोन कॉमेट ब्लू और कॉमेट व्हाइट कलर्स में अवेलेबल है। डिस्प्ले की अगर बात करें तो Redmi Note 9 Pro में 6.67 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है, और वही Realme 6 में 6.5 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाता है। दोनों फोन में ही आप लोगों को 1080x2400 पिक्सल्स का स्क्रीन रेजोल्यूशन मिल जाएगा, और दोनों ही फोन में आप लोगों को 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिलेगा। लेकिन Realme 6 में 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, और वही Redmi Note 9 Pro में सिर्फ 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट ही मिलता है। 90 हर्ट्ज डिस्प्ले रिफ्रेश रेट के साथ Realme 6 का टच और स्क्रॉल एक्सपीरियंस बहुत ही बेहतर होगा, तो इसीलिए 90 हर्ट्ज डिस्प्ले रिफ्रेश रेट के लिए मैं Realme 6 के डिस्प्ले को Redmi Note 9 Pro के डिस्प्ले से आगे रखूंगा। डायमेंशन की अगर बात करें तो स्क्रीन बड़ा होने के कारण, जैसे कि आप देख सकते हैं, Redmi Note 9 Pro का साइज Realme 6 से बड़ा है, और Redmi Note 9 Pro वेट में भी Realme 6 से हैवी है। Redmi Note 9 Pro का वेट है 209 ग्राम और Realme 6 का वेट है 191 ग्राम। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो Redmi Note 9 Pro में दिया गया है Qualcomm Snapdragon 720G प्रोसेसर, ये एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, और वही Realme 6 में दिया गया है MediaTek Helio Z90T प्रोसेसर, ये भी एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर ही है। Redmi Note 9 Pro के प्रोसेसर का स्पीड है 2.3 GHz और Realme 6 के प्रोसेसर का स्पीड है 2.05 GHz। यानी Redmi Note 9 Pro में आप लोगों को फास्टर और एफिशिएंट प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, और वही Realme 6 के प्रोसेसर को गेमिंग के लिए बहुत बेहतर माना जाता है। अगर आप फोन्स में गेम्स भी खेलते हैं तो इन दोनों प्रोसेसर के बीच आपको Realme 6 को ही सिलेक्ट करना चाहिए। रैम की अगर बात करें तो दोनों फोन में ही 4GB का रैम दिया गया है, और वही अगर इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो दोनों फोन में ही आप लोगों को 64GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। रियर कैमरा के मामले में दोनों फोन में ही क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है। Redmi Note 9 Pro में 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस, 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस, 5 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस और एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है, और वही Realme 6 में 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का एक पोर्ट्रेट लेंस देखने को मिल जाता है। तो 64 मेगापिक्सल प्राइमरी लेंस के साथ Realme 6 का रियर कैमरा Redmi Note 9 Pro से आगे रहेगा। सेल्फी कैमरा की अगर बात करें तो दोनों फोन में ही 16 मेगापिक्सल का पांच-सोल फ्रंट कैमरा दिया गया है। बैटरी के मामले में Redmi Note 9 Pro में 5020mAh की बहुत बड़ी बैटरी दी गई है, और इसके साथ आपको 18 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाएगा, और आप लोगों को 18 वाट का फास्ट चार्जर इसके साथ बॉक्स में ही मिल जाएगा। और वही Realme 6 में 4300mAh की बैटरी दी गई है, लेकिन इसमें आप लोगों को 30 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, और 30 वाट का फास्ट चार्जर आप लोगों को बॉक्स के अंदर ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे Redmi Note 9 Pro में बड़ी बैटरी दी गई है, लेकिन Realme 6 में आप लोगों को ज्यादा वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है। तो इस कंपैरिजन के बाद यही कह सकते हैं कि एफिशिएंट और फास्टर प्रोसेसर और बड़ी बैटरी के लिए आप Redmi Note 9 Pro के साथ जा सकते हैं, और बेटर डिस्प्ले, बेटर गेमिंग प्रोसेसर, बेटर रियर कैमरा और 30 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के लिए आप Realme 6 को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपका पसंद कौन सा होगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना मत भूले, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।